गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम कक्षा तीसरी का पाठ 8 नदी की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि अगर नदी नहीं होती तो मनुष्य का जीवन कैसा होता, और इसमें नदी स्वयं अपने व्यथा बताती है कि मेरा महत्व कितना है, और हमें नदी के महत्व को अपनाते हुए उसकी रक्षा कैसे करनी है। अब है जिसमें नदी अपने बारे में बताती है कि मैं नदी हूँ, आपने मुझे ज़रूर देखा होगा। लोग मुझे सरिता, आपगा, निर्झरणी, स्वस्वणी आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। कहने का तात्पर्य है कि नदी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे सरिता, आपगा, निर्झरणी, स्वस्वणी, ये सब नदी के पर्यायवाची हैं। उच्च पर्वत शिखरों पर स्थित हिम पिघलते हैं तो मेरा जन्म होता है, मतलब जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं उनके पर जो चोटियां बनी हुई हैं ऊंचे पर्वतों पर, उस पर जब बर्फ पिघल कर जब नीचे की ओर गिरती है तो वह नदी का रूप धारण कर लेती हैं। पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में मचलती, उछलती, कूदती मैं धरती पर उतरती हूँ। जैसे ही जब वो ऊंचाई से बर्फ पिघल कर पानी का रूप लेती है तो वह ऊपर से नीचे की ओर मचलती, उछलती, कूदती हुई धरती पर उतरती है। उस समय मुझ में बचपन की चंचलता, उत्साह और वेग होता है। जैसे एक छोटा बच्चा जब उसका बचपन में चंचल, उत्साह ये सब होता है, वही रूप एक नदी का भी होता है। जिस तरह से कि जब वो पर्वतों से नीचे की ओर गिरती है तो बड़ी तेज़ी के साथ चंचल और खुश चंचलता, खुशी और वेग, वेग यानी तेज गति के साथ नीचे उतरती है। धरती पर उतरने के बाद मेरी बाल सुलभ चंचलता और वेग कम हो जाता है। जैसे ही वो धरती पर आती है तो उसका यानी कि नदी का जो बाल रूप है, बाल रूप थोड़ा कम हो जाता है, उसकी चंचलता, उसकी गति में कमी आ जाती है। अंग विकास के साथ मेरे स्वभाव में गंभीरता, गति में मंदता आ जाती है। जैसे ही उसका बहाव नदी पर आता है तो उसमें ये तीव्रता और उसमें तीव्रता की कमी आ जाती है, और गंभीरता जैसे भाव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। अपने कर्तव्य बोध के प्रति मैं सजग हो जाती हूँ। उसे एहसास हो जाता है कि मेरा क्या कार्य है, वह पहले से ही सजग हो जाती है। मैं प्राणी और वनस्पति जगत की प्यास बुझाकर उन्हें शीतलता और तृप्ति प्रदान करती हूँ। मतलब प्राणी जगत को जैसे ही वो धरती पर अपना रूप प्रकट करती है तो वो प्राणी जगत पर उनकी प्यास बुझाने का कार्य करती है, और शीतलता के रूप में यानी उनकी प्यास बुझाकर उनको तृप्ति प्रदान करती है। भूमि सिंचन मेरा धर्म है, यानी भूमि को जो सींच भूमि सींचना उसका क्या है, धर्म है। वो लोगों उसका कार्य है कि भूमि पर भूमि को सींचना और उससे अन उगाने में किसान की मदद करना। छोटी बड़ी नहरें निकाल मेरी वारी धारा को खेतों तक पहुंचाया जाता है। जब नदी धरती पर उतरती है तो उसके कई मतलब उसके जो भाग होते हैं वो अलग अलग कर दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी नहरें निकाल दी जाती है, और उसके जल धारा को यानी वारी मतलब जल जल की धारा को खेतों तक पहुंचाया जाता है। वहाँ अनाज पैदा होता है, और उसके जब जल धारा खेतों में पहुंचती है तो वो अनाज उगाने में मदद करती है, और मैं प्राणदायिनी कहलाती हूँ। जब वह नदियों के पानी से जब नदी अपने द्वारा अनाज उगाने में सहायक होती है तो वह एक प्राणदायिनी के रूप में लोगों के लिए वो प्राणदायिनी का कार्य करती है, मतलब प्राण देने वाली यानी कि प्राणदायिनी का रूप लेती है, और वह लोगों की भूख और प्यास मिटाने में मदद करती है। अपने पास और दूर के क्षेत्रों को सब आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण
मेरा मन स्वच्छ और निर्मल बना रहता है। अब मतलब क्षेत्र चाहे पास हो चाहे दूर हो, सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण जो नदी का मन है वो स्वच्छ और निर्मल बना रहता है। मैं पहले से ही प्रवाहमान अनेक वस्तुओं को तटों पर छोड़ती हूँ और तटों पर बिखरी अनेक वस्तुओं को साथ लेकर निरंतर गतिमान रहती हूँ। प्रवाहमान, प्रवाहमान मतलब होता है बहना। मैं पहले से ही प्रवाहमान अनेक वस्तुओं को तटों पर छोड़ती हूँ। कहने का मीन्स है कि नदी पर ही अनेक जो जलयान होते हैं वो चलते हैं और वस्तुओं को तटों तक छोड़ती हूँ। तटों के माध्यम से उन पर जो सामान ले जाया जाता है एक छोर से दूसरे छोर, वह कार्य भी नदी के द्वारा ही किया जाता है। जब तक मैं समुद्र के अंक में नहीं समा जाती तब तक यही क्रम चलता रहता है। अब नदी ये कहना चाहती है कि जब तक मैं समुद्र के अंक में, अंक मतलब गोद, जब तक मैं समुद्र में नहीं मिल जाती तब तक मेरा यही क्रम, यानी तब तक मेरा यही क्रम बना रहता है, उनकी यही निरंतर गति बनी रहती है। सभी पवित्र तीर्थ मेरे तटों पर स्थित हैं। जितने भी तीर्थ स्थान हैं उन वह नदी के तटों पर ही स्थित हैं। अयोध्या मथुरा काशी कांची प्रयागराज ऋषिकेश द्वारका, इसके प्रमाण हैं। अब जो अयोध्या है, मथुरा है, काशी, गया, कांची, प्रयागराज, ऋषिकेश, ये सब इसी के प्रमाण हैं। द्वारका, सारे बड़े नगर भी तटों पर ही स्थित हैं। अब नदी ये बताना चाहती है कि जितने भी पवित्र तीर्थ हैं वो नदी के तटों पर ही स्थित हैं। मेरे जल में स्नान करना पुण्य और मुक्तिदायक माना जाता है। और ऐसा माना जाता है जैसे कि गंगा जैसे पवित्र नदी, उनमें अगर हम नहाते हैं तो हमारे जितने भी कष्ट हैं उनका निवारण होता है। वहाँ पर ऐसा करने से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। अमावस्या, पूर्णमासी, कार्तिक पूर्णिमा, दशहरा आदि अवसर स्नान करने वाले लोगों का विशाल जन समुदाय एकत्र होता है। और ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या पूर्णमासी दशहरा आदि अवसरों पर स्नान करने के लिए लोगों का विशाल जनसमुदाय यहीं पर एकत्र होता है। कुंभ और महाकुंभों का आयोजन भी मेरे तटों पर ही होता है। और इससे और भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी जो महाकुंभ और महाकुंभ का जो मेले का आयोजन होता है वो भी इनके नदी के तटों पर ही होता है। लोग मेरा स्तुति गान करते हैं और मेरी आरती भी उतारी जाती है। स्नान करने के पश्चात इन पवित्र स्थानों पर स्नान करने के पश्चात लोग इसका गुणगान करते हैं, इनकी आरती उतारी जाती है। औद्योगिक और व्यावसायिक दृष्टि से भी मेरा कम महत्व नहीं है। अब नदी ये बताती है कि मेरा महत्व केवल धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि औद्योगिक और व्यावसायिक दृष्टि से भी नदी का महत्व बहुत अधिक है। बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र मेरे पास स्थित हैं। मतलब जितने भी बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र हैं वो सब नदी के पास में ही स्थित हैं। मैं परिवहन का सशक्त माध्यम हूँ। सशक्त मीन्स शक्तिशाली। जो परिवहन जो होता है जल के द्वारा वो शक्तिशाली जो कार्य परिवहन का जो माध्यम है वो नदी ही शक्तिशाली के रूप में कार्य करती है। भारत में नौका परिवहन द्वारा लाखों टन सामान की ढुलाई की जाती है।
अब इन नदियों के माध्यम से ही जलयान अपने सामानों का आदान प्रदान जो करते हैं वो नदी के माध्यम से ही किया जाता है। लाखों टन वस्तुओं का जो बोझ है जलयान के द्वारा नदी के माध्यम से ही एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचाया जाता है। मेरी जल धारा से विद्युत का उत्पादन किया जाता है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि नदी की जो जलधारा है उसके माध्यम से ही बिजली का उत्पादन किया जाता है जो दैनिक जीवन से लेकर उद्योग व्यापार का मेरुदंड है। अब जब विद्युत का उत्पादन नदी जल की धाराओं से ही किया जाता है जो एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि जो दैनिक कार्य से लेकर यानी रोज़मर्रा के कार्य से लेकर उद्योग व्यापार तक बिना बिजली के कोई भी कार्य संभव नहीं है, तो इस दृष्टि से भी नदी का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। आमोद प्रमोद के क्षणों में भी मानव का साथ देती हूँ। अब क्या होता है आमोद प्रमोद मतलब जितना भी हम मनोरंजन करते हैं या आना जाना होता है वो सब हमारा उन क्षणों में भी नदी हमारा बहुत साथ देती है। नौका विहार जल क्रीड़ा तैराकी मानक प्रदान करती हूँ क्योंकि जो नौका विहार किए जाते जो नौकायान किया जाता है और जल क्रीड़ा जल के अंदर जो होने वाले की गतिविधियाँ होती हैं तैराकी होती है वो सब नदी के माध्यम से ही की जा सकती है, उसके बिना ये कार्य संभव नहीं है। नौका दौड़ की प्रतिस्पर्धाएँ भी आयोजित होती हैं। नावों की जो दौड़ लगाई जाती हैं जो उनकी जो प्रतियोगिता आयोजित की जाती है वो भी नदी के माध्यम से ही संभव हो पाता है। अगर नदी नहीं होगी तो नौका दौड़ नावों की दौड़ संभव है क्या? नहीं। तो नदी का इस क्षेत्र में भी बहुत अधिक महत्व है। लोक मंगल की देवी हूँ। अब नदी को लोगों नदी जो होती है वह लोगों का भला करने वाली ही देवी होती है, इस नाम से भी उन्हें जाना जाता है कि वह एक लोक मंगल की देवी है। प्राणी मात्र की सेवा करना मेरा धर्म है। अब नदी कहती है कि नदी का मानना है कि प्राणी मात्र की सेवा करना मेरा धर्म है। सतत जनहित मेरी तपस्या है और सभी लोगों के हितों के बारे में सोचना मेरी तपस्या के समान है। भारत में पुण्य सलिल गंगा और यमुना के रूप में मुझे सबसे अधिक आदर और सम्मान दिया जाता है क्योंकि गंगा नदी और यमुना नदी के यदि को लोगों के द्वारा बहुत अधिक सम्मान दिया जाता है। मेरी पूजा अर्चना होती है। मेरी पांच धाराओं के कारण भारत एक विशाल और सबसे अधिक उर्वर भूमि का नाम है। उर्वर मतलब उपजाऊ भूभाग का उर्वर भूभाग का नाम पच नद या पंजाब है जो कि बहुत ही उपजाऊ है। दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी है और दक्षिण भारत के दक्षिण में जो गोदावरी है गंगा भारत की गंगा जो गोदावरी के नाम से जानी जाती है यानी कि जो गोदावरी है दक्षिण की ओर जो गोदावरी नदी है वो भारत की गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। कृष्णा कावेरी नर्मदा उसकी सहगामिनी है मतलब कि कृष्णा कावेरी नर्मदा सब उसकी सहायक नदियां हैं। आजकल मैं प्रदूषित हो रही हूँ। इतना कहने के बाद जब नदी पूरी वृथा के साथ अपने ये सब ये कहना चाहती है कि इतना मेरा महत्व होने के बाद भी आजकल मैं प्रदूषित होती जा रही हूँ। प्रदूषित मतलब उनमें गंदी होती उसमें प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। लोगों ने मेरे जल को कूड़ा कचरा मल आदि से दूषित कर दिया। अब आजकल उसके महत्वता को कम मानते हुए उसके जल को कूड़ा कचरा और मल से गंदा कर दिया है जिस कारण से आज मेरा जल लोगों के लिए अनेक बीमारियों का कारण बन गया है। अब मेरा जल कूड़ा कचरा आदि के कारण दूषित होने के कारण मेरा ही जल लोगों की बीमारियों का कारण बन गया है। तो जिस
नदी का इतना महत्व होने के बाद भी लोग आजकल नदियों को इतना गंदा कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों में बीमारियां फैलती जा रही हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि नदी का इतना अधिक महत्व होने के कारण भी अगर हम उसे गंदा करेंगे तो उसकी महत्वता कम हो जाएगी। तो हमारा कर्तव्य है कि हमें नदियों को स्वच्छ रखना चाहिए। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य है कि हमें नदियों को स्वच्छ रखना चाहिए, उसमें कूड़ा करकट ये सब नहीं डालना चाहिए।